हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेफरल कोड का हिंदी में क्या मतलब होता है। तो क्या होता है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग आपको रेफरल कोड भेजते हैं, तो उस रेफरल कोड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से भेजी गई किसी ऐप की लिंक को ओपन करके उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाते समय या बनाने के बाद जो हम उस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया कोड डालते हैं, उस कोड को ही हम रेफरल कोड कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये रेफरल कोड एक ट्रेसिंग कोड होता है। ठीक है, ट्रेसिंग कोड का मतलब कि आपकी एक्टिविटी को ट्रेस करना। किस तरह की एक्टिविटी को ट्रेस करना कि आपने वो ऐप डाउनलोड की या नहीं की, वो आपके उस कोड डालने से पता चलेगा। ठीक है, तो यह एक ट्रेसिंग कोड होता है जिससे पता लगाया जाता है कि आपने कितने और लोगों से ऐप को डाउनलोड करवाया। मान लीजिए पेटीएम ऐप है, ठीक है, आपने वो ऐप का रेफरल कोड लोगों के पास भेजा, आपके 10 फ्रेंड्स के पास भेजा, 10 लोगों ने उसको डाउनलोड करके उसमें आपका जो रेफरल कोड डाला। ठीक है, सबके लिए 10 लोगों के लिए अलग अलग रेफरल कोड जाएगा, लेकिन जब वो उसमें डाल के डाउनलोड करते हैं तो आपके रेफरल कोड से पता चलेगा कि आपने 10 में से कितने लोगों ने उस रेफरल कोड को यूज़ करके वो ऐप डाउनलोड की है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो एक्टिविटी है वो ट्रेस हो गई और पता चल गया कि आपके द्वारा 5 लोगों ने या 7 लोगों ने या पूरे 10 लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया है। ठीक है, तो जब हम अपना रेफरल कोड और रेफरल लिंक किसी को भेजते हैं और वो व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और हमारा रेफरल कोड यूज़ करता है, तो हम उसे उस रेफरल कोड से पता चल जाता है कि उसने ऐप डाउनलोड किया है या नहीं। तो इस तरह से कई जो ऐप हैं अपना प्रमोशन करवाने के लिए जो है कमीशन भी देती हैं, लोगों को जो अर्न करने के लिए मौका भी देती हैं कि आप हमारी रेफरल कोड से ऐप डाउनलोड करवाइए अपने लोगों से और हम आपको जो है